जय हिंद दोस्तों। तो चंद्रयान, सूर्यान और अब आ गया है समुद्रयान। तो इसरो क्या कर रहा है, बैक टू बैक एक के बाद एक भारत की जनता को खुशियां ही खुशियां बांटते चले जा रहा है। जैसा कि पहले हम लोगों देखे थे कि चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, किस लिए, चांद के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक रोवर को भेजा है और वह नई नई जानकारियां इकट्ठा करके क्या कर रहा है, वापस इसरो के साइंटिस्ट को भेज रहा है, नई नई चीजों के बारे में बता रहा है। चलिए, सूर्यान भेजा हम लोगों ने क्या करने के लिए, सूर्य के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए। और अब बारी है समुद्र की, तो समुद्र को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो कैसे एक्सप्लोर करेंगे, तो ये जो पीछे स्क्रीन पे है दो डिवाइस है, एक है समरसिबल और दूसरा है ये गोल वाला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल स्फेयर यान, यानी कि इसका क्या नाम है, पर्सनल स्फेयर यान। तो इसका सफलतापूर्वक क्या किया गया है, लॉन्च कर दिया गया है, टेस्टिंग किया जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, मत्स्य 6000। आखिर ये है क्या, मत्स्य 6000 है क्या, आखिर मिशन समुद्रयान है क्या और मिशन समुद्रयान की जरूरत भारत को क्यों पड़ी, आखिर इसकी जरूरत क्यों है, और भारत अगर इसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर लेता है, अगर इसमें सक्सेस हो जाता है, तो भारत किस पोजीशन पे चले जाएगा। तो समझिएगा, बात को समझने वाला है कि यह जो गोला है जिसके बारे में क्या किया गया, इसको 500 मीटर, 500 मीटर कहां, समुद्र के अंदर सफलतापूर्वक क्या किया गया, लॉन्च कर दिया गया। और यह हल्का स्टील का मटेरियल का क्या है, बना हुआ है। और इस सारी चीजों को, यह जो मत्स्य 6000 देख रहे हैं, समुद्रयान देख रहे हैं, या जो ये स्टील का गोला है जिसको पर्सनल स्फीयर यान बोल रहे हैं, या मत्स्य 6000, उसको डेवलप कौन कर रहा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, NIOT, NIOT के द्वारा डेवलप किया गया। और जैसे ही इसका जो मेन वाला लॉन्च हो जाएगा, ये समर्सिबल अगर चला जाता है समुद्र के अंदर सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है, तो अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस और चीन के बाद भारत क्या होगा, इस सीरीज में अपना नाम क्या करेगा, जोड़ लेगा। जैसा कि हम लोग क्या देख रहे हैं, इसरो एक के बाद एक भारत को उपलब्धि देते जा रहा है। तो चलिए, इसका मकसद क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह 6000 है क्या। तो 6000 क्या है, तो 6000 इज नथिंग बट 6000 मीटर है, यानी यह समुद्र के अंदर कितना अंदर जाएगा, 6 किलोमीटर अंदर जाएगा। समुद्र के अंदर कितना दूर जाएगा, 6 किलोमीटर के अंदर जाएगा। और डीप ओशियन यानी क्या करेगा, समुद्र के अंदर जाकर के समुद्र के वातावरण इकोलॉजी को स्टडी करेगा और पता करने का कोशिश करेगा कि समुद्र के अंदर जो गैस अवेलेबल है, कोबाल्ट अवेलेबल है, हाइड्रोथर्मल सल्फाइट अवेलेबल है, ये सारे मिनरल्स मटेरियल्स को क्या करेगा, एक्सप्लोर करने का कोशिश करेगा, ठीक है। और यह जो पनडुब्बी है, यह क्या करेगा, मानव को अंदर लेकर के जाएगा 6 किलोमीटर के अंदर। तो सोचिए, 6 किलोमीटर के अंदर जाएगा तो इसके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। तो हाल ही के वर्षों में हम लोगों ने क्या देखा, हाल ही के समय में कुछ ही महीने पहले एक टाइटन समरसिबल था। तो टाइटन समरसिबल जो था वह टाइटेनिक के मलबे को क्या करता था, दिखाने के लिए ले जाता था और खुद मलबा बन गया। क्यों, उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा, एटमोस्फेरिक प्रेशर पड़ा कि वो कोलाइजन हो गया, कोलाइड कर गया और इंटरनल क्या हो गया, चिपक गया और चिपक करके ब्लास्ट कर गया। तो वो सब सीख उससे क्या हो गया, उससे सीख लेकर के एक नए सिरे से फिर से क्या कर रहे हैं इंडियन साइंटिस्ट, इसको फिर से अच्छे से इसके पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है और शीघ्र ही और कुछ ही वर्षों में इसको सफलतापूर्वक क्या किया जाएगा, सक्सेसफुली इसको टेस्ट भी किया जाएगा। और जरूरत क्या है ये भी देखेंगे, क्यों जरूरत है और क्या हुआ, क्या क्या चीजों का इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो सारी बातों को आज हम लोग डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है जिसके कारण ये चर्चा में है, यह है हम किरण रिजू का। किरण रिजू का क्या है, नेक्स्ट इज समुद्रयान, नेक्स्ट इज समुद्रयान। और यह क्या करेगा, 3 ह्यूमन को 6 किलोमीटर अंदर के लेकर के जाएगा और क्या करेगा, स्टडी करेगा डीप सी के रिसोर्स को और बायोडायवर्सिटी को क्या करेगा, उसका असेसमेंट करेगा। सबसे पहली बात है कि बिना डिस्टर्ब किए हुए ओशियन इकोसिस्टम को, जो ओशियन का इकोसिस्टम है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए क्या करेगा, इस समुद्र के अंदर के चीजों को एक्सप्लोर करेगा। और यह क्या करेगा, ब्लू इकोनॉमी को
क्या करेगा, ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। और सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं कि आखिर ब्लू इकोनॉमी होता क्या है, ब्लू इकोनॉमी या ओशियन इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी को ही क्या हम लोग कहते हैं, ओशियन इकोनॉमी। और ओशियन इकोनॉमी जो है वैसा इकोनॉमी एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो समुद्र से एसोसिएटेड हो। समुद्र से एसोसिएटेड होने का मतलब कि भारत का जो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, समुद्र पे डिपेंडेंट है, जिसमें क्या है कि समुद्र से हमें क्या मिलता है, वो समुद्र से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, जिसका यूज हम लोग फैक्ट्रियों में कर रहे हैं, जिससे रोजगार सृजन हो रहा है, साथ ही साथ मनुष्य की लाइवलीहुड पे भी क्या होता है कि मनुष्य का भोजन का भी प्रबंध हो रहा है, उनके उद्योग और रोजगार सृजन का भी काम हो रहा है। चलिए, तो जैव विविधता जो है जो बढ़ते चला जा रहा है, तो अब हम लोग बात करेंगे मत्स्य 6000 के बारे में। मत्स्य 6000 का जो फीचर्स है, जो फैसिलिटीज है या क्या क्या खूबियां हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मत्स्य 6000 में क्या है कि नॉर्मल मोड में यह 12 से 16 घंटा काम करेगा। समुद्र के अंदर जाएगा, 6 किलोमीटर के अंदर जाएगा, तो 12 से 16 घंटा क्या करेगा, यह नॉर्मल मोड में ऑपरेट कर सकता है। इसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठेंगे, जिसमें से एक ऑपरेटर होगा और 2 लोग जो होंगे वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी उन चीजों को जो भी डेटा कलेक्ट करना उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। बात कर चुके हैं कि अंडर वाटर 6 किलोमीटर तक रहेगा और 96 आवर, यानी 96 घंटा टोटल क्या करेगा ये इमरजेंसी के सिचुएशन में समुद्र के अंदर रहने की कैपेसिटी है इसके अंदर, इसके अंदर किसके अंदर, इस समरसिबल के अंदर। तो समझिएगा कि ये जो है प्रेस इंफॉर्मेशन भी जारी किया जा चुका है इन सारे रिकॉर्ड्स के बारे में, ये सारा इंफॉर्मेशन के बारे में, 12 आवर्स 6000 किलोमीटर 600 मीटर अंदर और 96 घंटा इमरजेंसी के मोड में यह रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि यह जो है यह टाइटन समरसिबल है। तो हाल ही के दिनों में क्या हुआ था, टाइटन समरसिबल ब्लास्ट कर चुका है और ब्लास्ट कर गया था, और यह टाइटेनिक पनडुब्बी को क्या कर रहा था, दिखाने के लिए ले जा रहा था, और उसी समय कॉलिजन हुआ और यह एक्सप्लोड कर गया, यह पूरी तरह फट करके बिखर गया। तो जितने लोग इसके अंदर थे वो लोग भी क्या हो गए, फट करके उनका चीथरा चीथरा उड़ गया। तो अब समझिए कि क्या हुआ कि समरसिबल और सबमरीन में क्या अंतर है। समरसिबल क्या होता है कि छोटे आकार का पनडुब्बी होता है, जिसका यूज समुद्र के अंदर टूरिस्ट को घुमाने या फिर जैव विविधता को एक्सप्लोर करने के लिए, समुद्र के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग यूज में लाते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो इसका तो एक ये भी है कि कितना खर्चा आएगा, तो टोटल 4100 करोड़ का खर्चा आ रहा है। किसके ऊपर, इसके ऊपर, समुद्रयान के ऊपर, जो मत्स्य 6000 का डेवलपमेंट किया जा रहा है उसके ऊपर कितना का खर्चा आ रहा है, 4100 करोड़ का खर्च हो रहा है। लेकिन हम लोगों को समझने वाली यह बात है कि आखिर इतना खर्चा क्यों, आखिर इतना खर्च हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट हम अभी यहां पे जिक्र करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि भारत या पूरा वर्ल्ड ई व्हीकल की ओर मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसके लिए जो मेन चीज चाहिए, जो लिथियम चाहिए और कोबाल्ट चाहिए, लिथियम और कोबाल्ट की डिपेंडेंसी इतना ज्यादा बढ़ गई है कि आने वाले वर्षों में भारत को ही, सिर्फ भारत को ही 5 से 10 गुना लिथियम और कोबाल्ट की आवश्यकता है। तो सोच के देखिए कि इसके डिमांड को पूरा करने के लिए नए नए सोर्सेज का हमें क्या करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा और पता लगाना होगा कि कहां इसके भंडार मिल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन समुद्र है, जहां की 6 से 8 किलोमीटर अंदर, समुद्र के सी लेवल से, समुद्र के सर्फेस से 6 से 8 किलोमीटर के अंदर इसके बहुत ज्यादा चांसेज है। किसके बारे में, इसके प्रेजेंट होने के बारे में। तो उसके सामने यह 4100 करोड़ कुछ भी नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इसका क्या क्या इस्तेमाल होगा, क्या क्या यूज हो सकता है। तो ज्यादातर मिनरल्स और उसके जैव विविधता जो इकोसिस्टम है, उसके जो मिनरल्स हैं या चाहे रिसोर्स हैं या फिर अन्य चीजें हैं, उसका मानव कैसे यूज कर सकता है, भारत उससे कैसे एडवांटेज ले सकता है, कैसे इसका लाभ उठा सकता है, इसके लिए यह समुद्रयान की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो बैक टू बैक खुशी का इंतजार करते रहिए और देखते हैं कि यह समुद्रयान हमें क्या नई जानकारियां ला करके देता है। तब तक के लिए धन्यवाद।